हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक मेक टॉक्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि HPCL का जो स्किल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और उनका स्किल टेस्ट कैसे होता है। आज मेरा टॉपिक यही है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का HPCL का, आप लोग पता है कि HPCL का फाइनली रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है, लगभग 4-5 दिन पहले ही पब्लिश किया गया है, लेकिन मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो बनाइए, और टेलीग्राम चैनल पर भी मेरा कमेंट आ रहा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। आज सैटरडे है और आज विश्वकर्मा पूजा है, तो आज मेरे को समय मिला इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ आप ही लोग का डिमांड के अनुसार। तो जिनका जिनका भी रिजल्ट हुआ है HPCL फॉर स्किल टेस्ट के लिए, तो उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं हुआ है वो अपने को ये देखें कि कहाँ पर मेरा गलती हो गया, और वो फिर उतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि रिजल्ट नहीं हुआ, फिर आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करना है। आपके पास DRDO का एग्जाम पड़ा हुआ है, RRB JEE आने वाला हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का अभी IOCL का फिर वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें इंजीनियरिंग असिस्टेंट का वैकेंसी आया हुआ है, टेक्निकल इंजीनियर का वैकेंसी आया हुआ है, तो आप उस एग्जाम को फोकस कीजिए और उसमें कीजिए अपने अपने आप को बेस्ट साबित करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि हमको इसमें इसका बेस्ट देना है, ठीक है। जो हुआ हुआ, उसके बारे में नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि हमको कहाँ गलती हो गया, उसको ओवरकम करना है। तो जिनका जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई स्किल टेस्ट के लिए। तो आपका आज मैं आपको बात करूंगा कि स्किल टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप ही लोग का डिमांड पर बना रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे कि देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा मुंबई रिफाइनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि मेरा रिजल्ट मुंबई रिफाइनरी में हुआ था, जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना मुंबई रिफाइनरी, उसमें मेरा रिजल्ट हुआ था, तो मैं रिटर्न भी क्वालिफाई किया था और स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई किया था, फाइनली मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैं इधर जॉब कर रहा था DRDO में, इसलिए मैं उधर ज्वाइनिंग नहीं किया, ठीक है। तो आपसे मैं बताऊंगा कि क्या क्या मेरे से पूछा गया था, ठीक है, आपको कैसे कैसे तैयारी करके जाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आपको HPCL के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, HPCL का कितना कैपेसिटी है, ठीक है, HPCL का कैपेसिटी के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपेसिटी आप क्या करेंगे, इसको कैसे पढ़ना है, मतलब इसके बारे में जानिए आप, ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में ओवरव्यू ले लीजिए, ठीक है, कि इसका कितना मेट्रिक टन कैपेसिटी है पर एनम, मतलब पर साल पर एनम इसका कितना कैपेसिटी है, इसका कितना रिफाइनरी है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर इसका रिफाइनरी है। तो एक नंबर पर कहाँ पर है आपका, मुंबई में रिफाइनरी है, ठीक है, मुंबई में रिफाइनरी है, और दूसरा इसका कहाँ पर रिफाइनरी है, विशाखापट्टनम में रिफाइनरी है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। ये सब आपको क्या करना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप जाएंगे विशाखापट्टनम में, ठीक है, उसके बाद इसका क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या तुम्हें बोला, इसका क्या क्या प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि आपका क्या होगा, पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, डीजल, ठीक है, डीजल हो गया, उसके बाद क्या होगा, गैसोलीन, गैसोलीन का गैस गैस LPG जो उसको बोलते हैं, LPG, ल्यूब ऑयल आता है, ठीक है, ल्यूब ऑयल हम लोग का बहुत सारे डिफेंस में भी ऑयल यूज होता है, उसका अलग अलग नाम है, ग्रीस हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया, ठीक है, ब्रिज हो गया, ये सब का आपको क्या करना होगा कि कौन कौन सा वो प्रोडक्ट बनाता है, ये सब के बारे में आप अच्छा से पढ़ के जाइए। सबका क्या करिए, आप डेंसिटी जान के जाइए, डेंसिटी इसका डेंसिटी कितना होता है, ठीक है, डेंसिटी क्या, डेंसिटी कैसे होगा, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एग्जाम निकाले हैं, तो डेंसिटी क्या क्या होता है। आप लोग जब भी जाते हैं पेट्रोल पंप पे अपने अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए, तो उसमें आपको देखे होंगे, उसमें जहाँ पर प्राइस शो करता है ना, उसी के बगल में आपका डेंसिटी भी शो करता है, ठीक है, तो लिखा होगा पेट्रोल का डेंसिटी इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये सब इसका डेंसिटी भी आप लोग जान के जाइए, ठीक है, और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, इस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो खैर आपका ये तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं जब वीडियो एडिटिंग करूँगा तो उसमें आपको ये एक मैं बता दूंगा, उसमें जैसे कि विशाखा आपको क्या करना है कि विशाखा जैसे कि HPCL की वेबसाइट पर जाना है, और जाएंगे ना तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका प्रोडक्ट लिस्ट होगा, ठीक है, उसमें देखेंगे ल्यूब ऑयल लिखा होगा, आपका एविएशन सेक्टर लिखा होगा, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको उसमें डाल देगा, ठीक है,
मतलब जैसे कि वीडियो के ऊपर में मैं उसको जैसे कि एक स्क्रीनशॉट करके लेकर मैं डाला हूँ, ठीक है, उसको डालूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करें उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उधर से आपका हो जाएगा। और HPCL का सबसे बड़ा अच्छा से जानने के लिए आप HPCL के वेबसाइट पर जाए, शुरुआती वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में देगा अबाउट रिफाइनरी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसका क्या क्या कैपेसिटी है, कितना है, ठीक है। तीसरा आपका काम क्या होना चाहिए, तीसरा आपका काम होना चाहिए क्या कि आपको अपने पास एक अच्छा से इंट्रोडक्शन होना चाहिए, एक अच्छा आप इंट्रोडक्शन तैयार करके जाइए, जिससे कि आप पूरा अच्छा से देखिए। इंट्रोडक्शन तैयार करने के लिए सबसे अच्छा क्या है कि आप अगर आपको समझ में नहीं आता कि हमको कैसे इंट्रोडक्शन देना है, आप क्या कीजिए कोई एक यूट्यूब चैनल पर जाइए, बहुत सारा यूट्यूब चैनल पड़ा हुआ है, वहाँ से इंट्रोडक्शन देने के लिए आप सीख जाइए। तो सबसे पहला काम करना क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छा से दीजिए, ठीक है। आपका देखिए ये इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये पूछते हैं कि सर क्या मैं हिंदी में दे सकता हूँ, इंग्लिश में दे सकता हूँ। देखिए आप कोई, आप देखिए हिंदी इंग्लिश में से कोई में किसी में भी दे सकते हैं, जिसमें आप सहूलियत हो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के अनुसार नहीं करना है कि वो लड़का यदि वो इंग्लिश में इंग्लिश में बोल रहा है तो हमको भी इंग्लिश बोलना है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि आप एक टेक्निकल पर्सन है तो आपको जितना भी कंपोनेंट का नाम है, जो इक्विपमेंट का नाम है, जो टेक्निकल नाम है, उसको इंग्लिश में ही लीजिए, ठीक है। लेकिन बाकी जो ऐसे भाषा का, जैसे मान के चलो कि ये पंप हो गया सर, ये पंप है, तो पंप है तो आप पंप को इंग्लिश में बोलें, ठीक है, टेक्निकल वर्ड हो गया सर ये पंप है, तो ये सब क्या है हिंदी में हो गया। लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है उसको आप टेक्निकल को इंग्लिश में ही बोलने का कोशिश कीजिए, ठीक है, उसको हिंदी में मत बोलिए, ठीक है। हिंदी हो गया या आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें सहूलियत हो उसी में देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ऐसा किसी का मैंने कहने पर भकावे में नहीं कि इसको इंग्लिश में ही देना होगा। आप देखिए आपको क्या करना है, वहाँ पर अपने आप को अच्छा से प्रेजेंट करना है, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश में प्रेजेंट करें चाहे आप हिंदी में प्रेजेंट करें, जो भी करें बेस्ट करें, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन को ही अच्छा से दे देते हैं तो क्या बोला जाता है इंटरव्यू में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यदि आप पहला ही इंप्रेशन अच्छा छोड़ देंगे तो आपका लास्ट तक भी अच्छा जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक्चुअली थोड़ा बोर्ड पर एक्चुअली कहाँ कहाँ दिख रहेगा नहीं दिख रहा, इधर तो दिख ही रहा होगा, देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है कि आपको एक ड्रेस कोड, प्रॉपर एक ड्रेस कोड, इस चौथा काम क्या है आपका, ड्रेस कोड होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करिएगा, कोई भी फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस ले लीजिए, फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस ले लीजिए। ऐसा एक ड्रेस चुनिए जिसको आपको जैसे पहन के जाएगा तो किसी की आंखों में ना चुभता हो लाइट, जैसे कि वो स्टैंडर्ड लगे और पॉजिटिव वाइब्स निकले कि हाँ ये मतलब कुछ अच्छा ड्रेस है, जैसे आप लोग कॉलेज वॉलेज में पहनते हैं, जैसे ऐसे नहीं कि पूरा गुलाबी पहन के चले जाना, ऐसा कुछ नहीं, आप एक प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज आपको नहीं पहन के जाना है, नो एट स्पोर्ट्स शूज, आपको स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन के जाना है, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज नहीं पहन के जाना है, प्रॉपर एक ड्रेस वाला जो शूज होता है वो पहन के जाना है, ठीक है, ये हो गया, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्पेशल क्या क्या पढ़ के जाना है। चलो ये तो हो गया मेरा ओवरव्यू हो गया कैसे आपको करना है। देखिए स्किल टेस्ट में क्या होता है, स्किल टेस्ट में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान को चेक करते हैं कि आपके पास क्या प्रैक्टिकल ज्ञान है कि नहीं। देखिए इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको क्या होता है, HR बोर्ड मेंबर सब कुछ बैठे रहते हैं, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि आपको चार तरफ चार आदमी, जैसे कि ऐसे इंटरव्यू में क्या होता है ऐसे करके आप यहाँ पर एक आदमी बैठेंगे, 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 आप यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो और इंटरव्यू में ऐसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपको बताना होता है, और इधर में एक बोर्ड भी होता है, ठीक है, बोर्ड भी होता है, आपको बोर्ड पर भी बताना होता है अगर यदि तो। लेकिन स्किल टेस्ट में क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान का ओवरव्यू नॉलेज लिया जाता है कि क्या आपको, अगर मान लीजिए आपको अगर रेफ्रिजरेटर दिखाया जाए तो क्या आपको ये आप ऐसा तो नहीं है कि आप इसको ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि आप एयर कंडीशनिंग इसको बोल देंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि ये AC है, आपको रेफ्रिजरेटर आपके सामने रखा जाए और आप इसको बोल दें कि ये AC है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा ना। इसीलिए आपको क्या किया जाता है, वहाँ पर प्रैक्टिकली ज्ञान को चेक किया जाता है, ये इस बंदा ने जो भी आया हुआ है इसको ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया तो ये कंपोनेंट को देखा है कि नहीं देखा है, इसके बारे में इसको पता है कि नहीं पता है, इसका फंक्शनल नॉलेज पता है कि नहीं पता है, इसका काम क्या है ये सब इसको पता है कि नहीं पता है, ठीक है, ये सब इसको वहाँ पर चेक किया जाता है। तो हम देखिए पहला शुरू करते हैं, मैं आपको यहाँ पर दोनों बताऊँगा, जो मेंटेनेंस टेक्नीशियन वाला है उनके बारे में भी बताऊँगा जो मैकेनिकल वाले हैं, और मैं बॉयलर वालों के लिए भी बताऊंगा, बॉयलर वालों को लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं मैकेनिकल टेक्नीशियन वालों को बताता हूं, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करके जाना है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व पढ़ के जाना है, क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व,
जैसे कि आप एक बार क्या कीजिए, आप दिमाग में सोचिए कि आपको रिफाइनरी सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में क्या क्या यूज होता होगा, ठीक है, क्या क्या यूज होता होगा। तो वहाँ पर सबसे पहले ढेर सारा आप देखेंगे पाइप रहता है, पाइप तो अलग अलग पाइप को क्या होता है, अगर फ्लो को कम बेस करने के लिए क्या होता है, चाहे फ्लो को रोकने के लिए क्या होता है, वो वाल्व लगाया जाता है, ठीक है। मान के चलिए इधर हमको ऑयल नहीं भेजना है, अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे वाल्व लगा देंगे, इधर वाल्व क्या होगा उसको रोक देगा, ठीक है। तो रोकने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व होता है, जैसे कि देखिए मान के चलिए आपका ग्लोब वाल्व हो सकता है, जैसे कि आपको क्या करना है ग्लोब वाल्व, आप क्या करेंगे इसको कैसे तैयार करना है, ग्लोब वाल्व हो सकता है, गेट वाल्व हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपका बटरफ्लाई वाल्व हो, ठीक है, बटरफ्लाई वाल्व हो, ठीक है, डायफ्राम टाइप है वो, ठीक है, इस टाइप का वाल्व। तो देखिए ये तो मैं बेसिकली दे, और भी बहुत सारे 10-15 प्रकार के वाल्व होती हैं, उसको क्या कीजिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व चाहिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर उसका फंक्शनल नॉलेज सब कुछ बहुत अच्छे से लोग बता के रखे हैं, जाइए उसके बारे में देखिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए आप आइए गूगल पे। पहला काम क्या है आपको यूट्यूब का मदद लीजिए। देखिए जो लड़का ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप कर चुका है, अप्रेंटिसशिप जो लड़का ऑयल सेक्टर से किया उसको पता है कि वो उसमें जैसे कि ऑयल सेक्टर में कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है उनको पता है, लेकिन आप एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको नहीं पता है कि उसमें कौन कौन सा यूज होता है, आप सिर्फ सोचिए कि कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा गूगल कीजिए इसमें कौन कौन सा चीज़ यूज होता होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए बाल वगैरह तो आपको इसको क्या करना है यूट्यूब से जाके आपको चेक यूट्यूब पर जाकर पढ़ना है, ठीक है, यूट्यूब हो गया इधर इधर से करना है आपको, ठीक है, यूट्यूब से ये हो जाएगा। फिर उसको क्या करना है उसके बाद आपको गूगल करना है, ठीक है, गूगल करेंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। गूगल से आप जाएंगे इसके क्या करेंगे इमेज निकालेंगे, इमेज निकाल देखिए कि ये वाल्व होता कैसे है, देखिए वाल्व से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरे से क्या किया था एक जैसे कि ये टेबल था, ठीक है, ये क्या था एक टेबल था, ये टेबल रखा हुआ था, ठीक है, ये क्या था एक टेबल रखा हुआ था और इस पर क्या हुआ था एक वाल्व रखा हुआ था, ठीक है, ठीक है, वाल्व रखा हुआ था, इसका क्रॉस सेक्शन रखा हुआ था। पूछा मेरे से क्या कि ये वाल्व, ये जो वाल्व है ये कौन सा वाल्व है, ये ऐसे पूछा, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये वाल्व है, तो बोला कि उसमें 2-3 पार्ट्स है, तो बोला ये पार्ट का नाम क्या है, ऐसे पूछा। फिर उसके बाद पूछा है कि ये बताइए इसका काम कहाँ पर होता है, आपको पता होना चाहिए ना, इसका फंक्शनल नॉलेज पता होना चाहिए, इसका काम कहाँ पर होता है, किस लिए इसका यूज करते हैं इस वाल्व का, ठीक है। तो ऐसा आपका ज्ञान होना चाहिए कि अगर ये वाल्व है देखने में कैसा होता है, पहला आपका काम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए चलिए गेट वाल्व होता है तो ये देखने में कैसा होता है, क्या होता है देखने में कैसा होता है, ठीक है, देखने में कैसा होता है, ठीक है। दूसरा आपका काम क्या होना चाहिए, दूसरा काम क्या होना चाहिए कि अगर देखने में कैसा होता है तो इसका फंक्शनल नॉलेज क्या है, मतलब ये काम क्या करता है, फंक्शनल नॉलेज आपका इसका पता होना चाहिए कि ये इसका काम क्या होता है और इसका क्यों यूज करते हैं, वाई इट इज यूज, ठीक है, वाई इट इज यूज, इसका हम यूज क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आपके सामने वाल्व रखा रहेगा ऐसे पढ़ेंगे। देखिए बहुत सारा, देखिए हमारे HPCL में तो क्या किया था एक बड़ा सा रूम था, उसमें एक हर एक टेबल पर क्या किया था टूल्स के बारे में, टूल्स रखा था, वाल्व्स रखा था, गियर रखा था, बॉल बियरिंग रखा था, टॉर्क रेंच रखा था, ये सब रखा हुआ था तो वहाँ पर। लेकिन बहुत जगह में ऐसा होता है क्या करते हैं वो इंडस्ट्री विजिट करा देते हैं, जिसका आपके HPCL हो सकता है कि आपका उसमें विजिट करा दे, चाहे बहुत जगह होता है क्या कि कॉलेज में लेके जाते हैं, जो लैब में लेके जाते हैं वहाँ पर आपको पूछेंगे, ठीक है। तो सब जगह को क्या होगा स्किल टेस्ट का नॉलेज ही लिया जाएगा, प्रैक्टिकल ज्ञान लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो वहाँ पर भी क्या होगा आपका इक्विपमेंट होगा, ठीक है, ऐसे होगा, ये आपका क्या करना है भाग के बारे में पढ़ के जाना है। दूसरा काम क्या है आपका, ये तो हो गया, दूसरा काम देखिए आपका क्या करना है हीट एक्सचेंजर, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। मेरे से देखिए क्या हुआ था, ये नहीं पूछा हुआ था, ठीक है, हीट एक्सचेंजर के बारे में नहीं पूछा हुआ था, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ब्रॉडली यूज हीट एक्सचेंजर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप मान लीजिए आपको अगर HPCL का ही इंडस्ट्री विजिट कराए, ठीक है, और आपसे वहाँ पर ढेर सारा दिखाए कि बताओ बाबू ये क्या है, ये क्या है, तो बताएंगे अगर मान के चलिए वो हीट एक्सचेंजर होगा, आप बोल देंगे कि ये कंप्रेसर है, तो आप गलती हो जाएंगे ना। तो आपको क्या बताना होगा वहाँ पर ये हीट एक्सचेंजर के बारे में पढ़ के जाइए, हीट एक्सचेंजर ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है, देखने में कैसा होता है, ठीक है, इसका काम क्या है हीट एक्सचेंजर का, ऐसा पढ़ के जाइए आप लोग, ठीक है। और इसका अगर मान के चलिए थोड़ा बहुत इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा पढ़ के जाएंगे, ठीक है, कि आप मेंटेनेंस का जैसे करेंगे तो कैसे कैसे मेंटेनेंस करेंगे, आप सबसे पहले क्या क्या चेक करेंगे, ये सब भी ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, इस वक्त आपका प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है, ये तो बात की बात है, लेकिन आपका हीट एक्सचेंजर के बारे में पता होना चाहिए, इसका नॉलेज, इसका काम क्या है, क्यों इसका यूज करते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। अब हम दूसरा तीसरा दोस्त बात करते हैं, उसके बाद क्या आता है मेरा
उसके बाद मेरा आता है कि ये सब आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तीसरा काम क्या है कि आपका क्या करना है, आपको कंडेंसर, कंडेंसर के बारे में आपको जान के जाना है। कंडेंसर कंडेंसर ठीक है, कंडेंसर आपको क्या, कंडेंसर के बारे में आपको क्या करना है, जान के जाना है कि कंडेंसर देखने में कैसा होता है, इसका काम क्या होता है, सबको देखने में कैसा होता है, काम क्या होता है इसको, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट है, कौन कौन सा उसमें पार्ट्स है, उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। ये सब कहाँ से मिलेगा बताइए। आप क्या कीजिए, आप जाइए गूगल पर, जाइए गूगल पर जाके क्या करेंगे आप, इसका इसे कंप्रेसर का क्रॉस सेक्शन आपको चेक कर, कंप्रेसर का क्या करिए, क्रॉस सेक्शन देखिए, उसका मतलब PPT देखिए, उसे आपको पता चल जाएगा। गूगल जाइए, गूगल में आप सर्च कीजिए, उधर से पता चल, यूट्यूब से आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा क्या क्या काम है इसका। सर आजकल यूट्यूब का फायदा लीजिए आप, ठीक है। तीसरा देखिए, ये होगा कंडेंसर होगा। उसके बाद चौथा आपका काम होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे देखिए, मेरे से इंस्ट्रूमेंट के बारे में उन्होंने पूछा था, कैसे पूछा था मैं बताता हूँ आपको। क्या हुआ था वहाँ पर, आपका क्या हुआ था, इंस्ट्रूमेंट देखिए, चौथा आप नोटिस करिए इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा देखिए आप लोग, ये वीडियो थोड़ा सा क्या होगा, लॉन्ग हो जाएगा, तो कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, आपको वर्नियर कैलिपर पढ़ के जाना है, वर्नियर कैलिपर ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो गया ठीक है। इस देखिए पढ़ के भी जाना है ठीक है। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, इसका क्या होता है लिस्ट काउंट ठीक है, लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है वो, मतलब सबसे मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकता है ठीक है इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया लिस्ट काउंट हो गया। उसके बाद क्या हो गया आपको माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ के जाना। फिर उसके बाद डायल गेज ठीक है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर गेज ठीक है। ये सब आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है ठीक है। डायल गेज के बारे में पढ़ के जाइए ठीक है, डायल गेज वो क्या होता है ये सब जाना चाहिए आपको ठीक है। माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ के जाना चाहिए। बेवल प्रोटेक्टर, ये सब के बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। मेनली आपको दो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, मेरे से यही दो पूछा था ठीक है, ये पूछा था ठीक है। और एक प्रेशर गेज भी रखा हुआ था, पूछ दिया था कौन सा प्रेशर गेज है ठीक है, इस टाइप का ठीक है। तो प्रेशर गेज हो गया था आपको, वर्नियर कैलिपर के बारे में और माइक्रोमीटर के बारे में। इसके आपका लिस्ट काउंट के अलावा आपको वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर चलाना आना चाहिए ठीक है, कि उसको यूज कैसे करते हैं। आपको क्या करेगा, वो एक टूल्स दे देगा ठीक है, आप बोलेगा इसमें क्रॉस सेक्शन या कुछ दे देगा ठीक है, बोलेगा बताओ इसका थिकनेस क्या है, थिकनेस क्या, आपको माइक्रोमीटर बोले, आप माइक्रोमीटर पकड़ा देगा, बोलेगा कि थिकनेस क्या है। तब आपको क्या करना है कि उसको, आपको अगर मेजरमेंट करने आता होगा तब ठीक मेजरमेंट करके बता देंगे ठीक है। और एक क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास ऐसे देगा ठीक है, और उसमें गड्ढा होगा, बोलेगा इसका डेप्थ क्या है। तब आप डेप्थ मापने के लिए आप क्या करेंगे, डेप्थ क्या है, तो डेप्थ क्या करने के आपको वर्नियर कैलिपर से आपको मेजरमेंट कर सकते हैं। तब कहेंगे कि क्या करेंगे कि वर्नियर कैलिपर का यूज करके उसका डेप्थ मेजरमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार क्या करेगा, वो आपको यूज कराएगा कि इसका काम क्या है और ये देखने में कैसा होता है। मान के चलिए आपको पता नहीं है, वर्नियर कैलिपर को माइक्रोमीटर बोल देंगे तो गलती हो जाएगा ना, इसलिए आप देख लीजिएगा। इसको सबसे अच्छा समझाया सब यूट्यूब पर, बहुत अच्छा समझाया ठीक है, तो आप यूट्यूब से इसको कवर कीजिए। प्रेशर गेज डिफरेंट टाइप, प्रेशर गेज कितने प्रकार का होता है वो देख लीजिएगा ठीक है। बॉडी टू प्रेशर गेज, बहुत सारे डायफ्राम प्रेशर गेज, बहुत सारा टाइप का प्रेशर गेज है, वो आप देख लीजिएगा ठीक है। ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ के जाना है। पांचवा काम आपका क्या है कि आपको क्या करना है कि टूल्स के बारे में जान के जाना है ठीक है। बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनर होता है ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनर्स ठीक है। इस आपको क्या करना है, टूल्स के बारे में पढ़ के जाना है, स्पिनर ठीक है। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिनर, आपको स्पिनर के बारे में पढ़ के जाना है। वो मान के चलिए वहाँ पर ढेर मान लीजिए कि 5-7 स्पिनर रखा हुआ होगा ठीक है, वो हो सकता है कि ऐसे रखा होगा ठीक है, ऐसे करके रखा होगा ठीक है ठीक है। तो ये क्या हो गया, डबल इंड स्पिनर हो गया। इस प्रकार से जैसे क्या होता है, क्लोज इंड स्पिनर होता है। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, आपको स्पिनर का टाइप पता होना चाहिए, वो देखने में कैसा होता है, वो किस प्रकार का होता है स्पिनर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्पिनर्स हो गया, मैंने जनरली कहने का मतलब आपको क्या होना चाहिए, टूल्स के बारे में होना चाहिए ठीक है। और आपको देखिए उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, वो देखिए हमने से क्या किया था, एक थ्रेडेड कुछ रखा हुआ था ठीक है, मेरे को याद आ रहा है, एक थ्रेड ऐसे करके रखा हुआ था इसमें नट बोल्ट, और एक यहाँ पर एक टेफ्लॉन टेप रखा हुआ था, टेफ्लॉन जैसे व्हाइट कलर का टेफ्लॉन टेप होता है, इसमें लपटा हुआ था ठीक है। और बोला कि आप इसको ये टेफ्लॉन टेप को दे दिए मेरे को, बोला कि इस पर आप लपेटिए।
देखिए लेपेटिया माने वहाँ पर क्या चेक कर रहा है, आपको टेफलन टेप सही से लगाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके अगर मान के चलिए इसको हम उल्टा डायरेक्शन में लपेट देते हैं, ठीक उल्टा डायरेक्शन में लपेट देते हैं, और यदि हम इसको टाइट करते हैं ठीक है, मतलब खुल जाता है, तो आप इसको प्रॉपर डायरेक्शन में कैसे टेफलन के यूज करते हैं, ये सब आप क्या करिए थोड़ा सा पढ़ के जाइए। मेरे से ऐसा पूछा गया था ठीक है, आपको आप लोगों को भी ऐसा पूछा जा सकता है, क्योंकि आप लोग का भी क्या है स्किल टेस्ट ही है ठीक है। ये हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इवोपरेटर्स के बारे में पढ़ के जाना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोपरेटर्स, इवोपरेटर का काम क्या है, देखने में कैसा होता है, ये आपको पढ़ के जाना है इवोपरेटर ठीक है। इसके बारे में आपको देखने में कैसा होता है, काम क्या होता है ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या है, ब्लोअर के बारे में पढ़ के जाना है, ब्लोअर ठीक है, आपका क्या करना है ब्लोअर्स के बारे में पढ़ के जाना है, ब्लोअर, और ये ब्लोअर देखने में कैसा होता है, इसका काम क्या होता है। देखिए पहला काम क्या है, पहले देखने में कैसा होता है, दूसरा इसका वर्क क्या होता है ठीक है, वर्क क्या होता है, इसका पार्ट्स के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, और ये कितने टाइप का होता है टाइप्स ठीक है, और टाइप्स रहेगा तो हमारे किस किस प्रकार के, ये ब्लोअर भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो आपको क्या करना है वहाँ पर इसके बारे में अब देखे रहेंगे तब तो बताएंगे कि ये इस टाइप का ब्लोअर है ठीक है, ये इस टाइप का ब्लोअर है, ये इस टाइप का ब्लोअर, आप देखे रहेंगे तब तो बताएंगे, तो ये आपको करके जाना है ठीक है। उसके बाद काम क्या है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप ज्वाइंट्स, मान के चलो आप देखे होंगे ऑयल सेक्टर में बहुत सारे पाइप होती हैं, और उनका ज्वाइंट भी करना होता है, जैसे किस प्रकार का ये ज्वाइंट है ठीक है, बहुत सारे नहीं होता, एल ज्वाइंट टी ज्वाइंट, ये सब के बारे में आपको करना है, पढ़ना है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप ज्वाइंट, पाइप ज्वाइंट ठीक है, ये सब आपको पढ़ के देना है पाइप ज्वाइंट ठीक है। वहाँ पर मान के चलिए, अगर मान के चलिए वहाँ पर रखा आएगा ठीक है, दो को पाइप रखा जाएगा ठीक है, ऐसे अगर रखा रहेगा ठीक है, तो बोलेगा कि इसमें कौन सा ज्वाइंट यूज होगा ठीक है, तो आप बताएंगे कौन सा ज्वाइंट, मान के चलिए कहीं अगर मान के चलिए आपको इंडस्ट्री विजिट करा दिया और ऐसा है ठीक है, और ऐसा है, और यहाँ से पाइप क्या होगा, यहाँ मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा टाइप कौन सा ज्वाइंट यूज होगा पाइप का ठीक है, ये सब को ध्यान में रखना होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप ज्वाइंट ये सब कहाँ मिलेगा आपको बताइए दोस्तों, ये सब आपको यूट्यूब पर मिलेगा, यूट्यूब पर जाइए सर्च कीजिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप ज्वाइंट कहाँ पर किसका यूज होता है, बहुत अच्छा से सब दिया हुआ है। उसके बाद काम क्या है, आपको क्या करना है, गूगल पर आना है और इमेज सर्च करना है, इमेज खोल कर उसका देखिए आपको कैसा है ठीक है। ये हो गया आपका पाइप ज्वाइंट्स ठीक है। मैं जानता हूँ थोड़ा सा वीडियो क्या होगा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए ही लॉन्ग हो रहा है, मैं टाइम तो ज़्यादा ले नहीं रहा हूँ। देखिए पंप हो गया, उसके बाद क्या करना है, आपको पंप के बारे में पढ़ के जाना है, पंप ये मान के चलिए कितने प्रकार का पंप होता है, देखने में कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है ठीक है, ये सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसमें भी अलग अलग टाइप का ब्लेड होता है ठीक है, वो पढ़ के जाना है ठीक है, पंप के बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए ठीक है। देखने में कैसा होता है, टाइप क्या है इसका, इसका कौन कौन सा इसमें पार्ट्स होता है, वो आपको पढ़ के जाना है ठीक है। ये हो गया, उसके बाद हम आपको क्या पढ़ के जाना है, टावर्स के बारे में पढ़ के जाना है। टावर्स मतलब मैं कहने का मतलब ये, यहाँ पर कूलिंग टावर के बारे में बात करना, कूलिंग टावर, कूलिंग टावर देखिए इसका काम क्या है ठीक है, इसका काम क्या है, मान लीजिए आपको इंडस्ट्री में विजिट करा देता है और आपको टावर्स कूलिंग टावर आएगा ठीक है, कूलिंग टावर कैसे कुछ करके ऐसे होता है ठीक है, कूलिंग टावर ऐसे रहता है ठीक है, ठीक है इसमें से कूलिंग टावर हो गया या इस प्रकार का रहता है, तो देखने में कैसा होता है, कितने प्रकार का कूलिंग टावर होता है, इसके काम क्या है कूलिंग टावर का, ये आपको पता होना चाहिए ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के बारे में पता होना चाहिए, एक्यूमुलेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये देखिए जो जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ उसको क्या करिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छा से वो लोग बता देंगे, उधर से पढ़ लीजिए आप, क्या करेंगे गूगल पर इमेज खोलेंगे, देखेंगे कैसा होता है, इसका काम क्या है, इसका कितना प्रकार का एक्यूमुलेटर होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक्यूमुलेटर हो गया, उसके बाद आता है आपको देखिए सेपरेटर, सेपरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑल सेक्टर में जो सेपरेटर यूज होता है ठीक है, सेपरेटर होता है, उसके बारे में आपको क्या करना पता होना चाहिए, सेपरेटर इसके बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा। उसके बाद है देखिए एक हमसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता आ जाता है ऑल सेक्टर के बात करेंगे तो, उसमें क्या पूछता है कि विंड शॉक के बारे में पूछता है, कि विंड शॉक आप देखे होंगे जितना भी ऑयल सेक्टर होगा, चाहे आपका एविएशन, जैसे कि आप एयरपोर्ट पर भी जाकर देखे होंगे, एयरपोर्ट पर भी रहता है ठीक है, एक ऐसे करके एक फ्लैग रहता है ठीक है, इसको बोलते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये क्या होता है जैसे कि रेड और वाइट, जैसे कि ये हो गया, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया, और इस इतना दूर ये सब क्या होता है, ये वाइट हो रहा है, वाइट ठीक है, वाइट ठीक है, इस तरह के एक फ्लैग देखे होंगे आप, ये रेड और ये वाइट ठीक है, तो इसमें क्या अलग अलग पार्ट्स होता है ठीक है, ठीक है इसके बारे में पूछता है, इसका नाम क्या है, सबसे पहला विंड शॉक है, विंड शॉक, विंड शॉक ठीक है, विंड शॉक है, और इसका काम क्या है वो पूछेंगे, उसका काम क्या है ठीक है। यदि मान के चलिए वो यहाँ से यदि वो मुड़ जाता है ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि इसका हवा का स्पीड कितना है ठीक है, हवा का स्पीड कितना है, ये डायरेक्शन भी बताता है, क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड, डायरेक्शन ऑफ
जो हवा का स्पीड है उसका बताता है, एयर स्पीड ठीक है वो बताता है, प्लस में ये भी बताता है इसका डायरेक्शन ऑफ एयर, एयर के बारे में बताता है कि किस डायरेक्शन में एयर फ्लो बह रहा है, नहीं होता है फ्लो। उसका देखिए दूसरा क्या बताता है इन्होंने, दूसरा क्या बताता है इसका स्पीड बताता है, एयर का स्पीड ठीक है, वो सब कुछ नॉट में डिपेंड करता है ठीक है, ध्यान रखेंगे ठीक है। ये सब आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, आप जाइएगा आज क्या कीजिए, मैं इसका जब मैं विंड चक बता रहा हूँ ना तो मैं अपने यूट्यूब में ही ऐड कर दूंगा ठीक है, विंड चक का ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो विंड चक के बारे में हो गया, आप विंड चक के बारे में थोड़ा सा आप ज्ञान ले लीजिए, विंड चक कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, इसका काम क्या है, ये सब बहुत अच्छा है। आप जाइए विंड चक अभी आपको मैं बता रहा हूँ, आप विंड चक अभी जाकर खोलिए, गूगल करिए, आप देखिए देखिए उसका क्या आना चाहिए आपको, कंप्रेसर के बारे में आना चाहिए, कंप्रेसर ठीक है, इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, कंप्रेसर कैसा होता है देखने में, इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, कितने प्रकार का कंप्रेसर होता है ये आपको पता होना चाहिए, उसमें उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, कौन कौन सा इसका पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट इसका पता होना चाहिए ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या कीजिए, थॉटली सोचिए कि क्या क्या यूज हो सकता है ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे से दोस्तों क्या पूछा हुआ था, उन्होंने हमसे ये पूछा था टॉर्क रिंच के बारे में, टॉर्क रिंच वहाँ पर क्या हुआ था, टॉर्क रिंच एक रखा हुआ था और हमसे बोला कि 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क हम कैसे लगाते हैं, तब तो आप उसको क्या कर सकते हैं, टॉर्क लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ठीक है, मेरे से पूछा हुआ था ये। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, एक हमारे से क्या होता है गियर रखा हुआ था, 2 का गियर रखा हुआ था, बोला कि आपको क्या करना है, बैक टू बैक क्या करिए, स्लेस उसका बैक टू बैक स्लेस मिस कीजिए ठीक है, बैक टू मैंने मतलब जैसे कि ये वाला, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, तो ये हमारा जैसे कि ये वाला हो गया ठीक है, ये साइड फेस, तो हमको क्या करना है इसी पर चिपका के, मतलब हमको बताया था कि बैक टू बैक स्लेस गियर मिस कीजिए, ऐसा हमसे पूछा हुआ था ठीक है। तो ऐसे आपको गियर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, दूसरा फिर उसके बाद बियरिंग के बारे में पता होना चाहिए, बियरिंग ठीक है, ये किस प्रकार का बियरिंग है, सिलिंड्रिकल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, किस प्रकार का बियरिंग है, किसका यूज कहाँ पे होता है, वो उन्होंने पूछ देंगे, बियरिंग रखा रहता है ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, मैंने जो छोटा छोटा पार्ट्स है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में पता होना चाहिए, देखने में कपलिंग कैसा होता है जैसे ठीक है, वो सब के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान रख के जाइए आपका हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में जाइए, कपलिंग के बारे में जाइए, आपको जरूर पूछेंगे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, कितना बार कपलिंग होता है, ये हो गया दोस्तों मैकेनिकल वालों के लिए ठीक है, वाला टेक्नीशियन का भी कुछ इसी हद तक रहेगा ठीक है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, जिसे आप लोग का देखिए स्पेशल क्या है, वाला टेक्नीशियन आप नाम से ही देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ वाला टेक्नीशियन के बारे में ठीक है, ये हो गया वाला टेक्नीशियन। देखिए हाँ, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है, मन में क्वेरी रहता है, फिर भी अगर डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहता है मेरे समझाने में कहीं अगर थी, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप क्या करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं स्पीड बोलता हूँ ठीक है, आप क्या करिएगा कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मेरे को कमेंट कीजिए, टैग करके मेरे को कमेंट कीजिए और मैं आपको नंबर दूंगा, मेरे को कॉल कीजिए, आप मेरे से उस वहाँ से आपको इतना मैं आपको बोला बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी हमसे पूछ सकते हैं ठीक है, मैं आपको जितना जिस भी तरीके से हो सके आपको मदद करूँगा जरूर, जैसे भी हो आपको जरूर मैं कोशिश करेगा आपका हेल्प करने के लिए, आप बस आप अपना इच्छुक रहेंगे तो जरूर मैं ठीक है, आप क्या करिएगा अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, या यूट्यूब है तो वहीं पर कमेंट कर दे, एक देखिए एक्चुअली क्या होता है मेरे को टाइम कम मिल पाता है, इसलिए यूट्यूब का मैं कमेंट कम देख पाता हूँ ठीक है, इसलिए आप क्या कीजिए टेलीग्राम चैनल को ही आप जाइए, वहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मैं वहीं देख लूँगा आपका ठीक है, ये हो गया आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बॉयलर टेक्नीशियन के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको काम क्या होना चाहिए कि बॉयलर देखने में कैसा होता है ठीक है, ये हो ये तो आपको मान लीजिए बॉयलर टेक्नीशियन, तो ये आपको बॉयलर देखने में कैसा होता है, ये कौन कौन सा बॉयलर किस प्रकार का होता है, जैसे कोकरन बॉयलर, देखिए कोकरन बॉयलर देखने में कैसा होता है आपको देख बता देना चाहिए कि कोकरन, ये कोकरन बॉयलर है, ये लैंकाशायर बॉयलर है ठीक है, ये कार्निश बॉयलर है, मतलब आपको देख के ही बता देना होगा कि किस प्रकार का बॉयलर है ठीक है, आपको इतने प्रकार का पता होना चाहिए इससे ठीक है, और आपको सबसे बड़ी बात उसके बाद क्या करना है कि बॉयलर में कौन कौन सा पार्ट्स यूज होता है, समझ रहे, बॉयलर में कौन कौन सा पार्ट्स यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे उसका माउंटिंग और एसेसरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, माउंटिंग एंड एसेसरीज के बारे में पता होना चाहिए ठीक है, और देखिए पता होने से सिर्फ नहीं होगा, देखने में कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए, मान के चलिए सेफ्टी भाल्व भी हो गया, सेफ्टी भाल्व ठीक है, सेफ्टी भाल्व तो ये देखने में कैसा होगा ठीक है, ये देखने में कैसा होता है, कौन कौन सा उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ भाल्व यूज करते हैं, फ्यूजिबल प्लग देखने में कैसा होता है, समझ रहे बात को, इसलिए आपको क्या करना है जितना उस पर मान पार्ट्स यूज होता है उसका, जितना उसका माउंटिंग है एसेसरीज है सबको जाइए क्या करिए
गूगल करिए, इमेज करिए, इमेज करके देखिए उसको कैसा होता है, इसका काम क्या है, ये पढ़िए। आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका काम क्या है ये तो पढ़ चुके हैं, लेकिन देखने में कैसा होता है ये आपको सबसे बड़ी चीज़। उसका कौन कौन से उसमें पार्ट्स है उसके बारे में पढ़ के जाइए आप लोग, ठीक है। ऐसो सीरीज के बारे में सेम काम कीजिए, वैसे ही आपको देखिए और देखने के देखिए पहले काम है देखना है आपको कैसा देखने में लगता है, उसके बाद इसके बारे में आपको जानना है कि ये आखिर इसका काम क्या है। अगर मान के चलिए वहाँ पर जाएंगे, अगर सेफ्टी वाल्व की जगह आप फ्यूजल प्लग बारे में बोल देंगे तो ये गलती हो जाएगा ना। आपका आपका काम क्या है कि माउंटिंग एसेसरीज के बारे में जो भी इक्विपमेंट उसमें यूज होता है, बॉयलर में जो भी यूज होता है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ के जाइए, और क्या कीजिए सबका इमेज देख के जाइए कि वो देखने में कैसा होता है। यदि आप देखिए यदि आप अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आप एक यदि फ्रेशर है तो आपको क्या करना है, गूगल ये इमेज कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग बताने वाले हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब तीसरा काम क्या है आपका, कि तीसरा काम देखिए आपका होना चाहिए क्या, कि क्या क्या सेफ्टी, क्या क्या हम सेफ्टी लेते हैं, ठीक है, और क्या क्या सेफ्टी लेते हैं ये आपको बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी क्या क्या हम सेफ्टी बॉयलर का क्या क्या सेफ्टी रेगुलेशन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम जब मेंटेनेंस करते हैं तो हम क्या क्या सेफ्टी स्टेप लेते हैं, मैंने कौन कौन सा स्टेप हम सेफ्टी लेते हैं वो आपको पता होना चाहिए, चाहे मैकेनिकल वाला हो चाहे बॉयलर वाला हो, दोनों के लिए। आप देखिए एक और मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या पढ़ के जाना है आपको, आपको क्या पढ़ के जाना है सेफ्टी, हाँ, जैसे फायर जो नहीं होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसके बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे कि नहीं होता कि मान के चलो उसमें भी क्या होता है, अलग अलग उसमें दिया रहता है, ठीक है। तो ये मान के चलो पूछ देगा कि इतना तीन चार प्रकार, ये बोलेगा इसका कहाँ पर यूज होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर यूज होता है, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो बहुत सारा नहीं होता पास PAWS ऐसे, ठीक है, इसे निकालने नहीं देते होते, तो इस प्रकार से आपको क्या करना होना चाहिए, जैसे प्रेस हो गया ऐसे करके आपको क्या करना होता है, इसका फॉर्मूला है जैसे पास ट्रिक है कैसे यूज करना होता है, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरे से क्या किया था, पहले मेरे से हम लोग का क्या किया था, हम लोग का फिजिकल टेस्ट लिया था, मैं बता दे रहा हूँ आपको। वो क्या किया था कि आपको दो तीन जैसे कि नहीं होता रेड कलर वाला जो बड़ा बड़ा होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो बहुत होता है वो सिलेंडर होता है, उसको क्या किया था, दो तीन को पकड़वा के हम लोग का क्या किया था, लगभग हमको लगता है कि अगर हमको लगता है कि 100 मीटर करीब में, 100 मीटर करीब हमको लेकर हम लोग दौड़ाया था, ठीक है, दौड़ाना है, फिर जाके उधर से वापस आना था, जैसे यहाँ से जाना है और फिर उधर वापस है कि यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, टाइम था, टाइम के अंदर आ जाना है, ठीक है, ये था। फिर हम लोग को क्या किया था कि लगभग तीन चार फ्लोर तक ऊपर में, ठीक है, आपको ऐसे करके चढ़ाया था, ठीक है, हम लोग ऊपर में चढ़ाया था, जैसे फिजिकल टेस्ट करवाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है फिजिकल टेस्ट, पूरा आपका सेफ्टी हो देगा, पूरा आपका सूट पहनाएगा, फिर हेलमेट वेलमेट सब कुछ पहनना है, सेफ्टी जो सबसे सूट पहनना है सब कुछ पूरा वहाँ पर वो आपको दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऐसा आपको भी कराता है, तो आपको क्या सेफ्टी वाला भी ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या हम सेफ्टी फॉलो करेंगे, फायर स्प्रिंकलर जो होता है आप देखे होंगे आजकल जो है, जैसे कि फायर स्प्रिंकलर जो होता है, फायर स्प्रिंकलर जो होता है देखे होंगे आप, जितना मॉल वॉल में यूज होता है उसमें क्या होता है, शीशा कलर का रेड कलर का होता है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है, मैं इसको बताना भूल गया था, इसके बारे में पढ़ के जाएंगे, जैसे स्प्रिंकलर बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि एक टेम्परेचर लिमिट से टेम्परेचर ज़्यादा होता है ऑटोमेटिक और टूट जाता है और पानी का स्प्रिंकलर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बारे में पढ़ के जाना है और आपको क्या करना है, ये फायर वाला जो बोतल सिलेंडर होता है उसके बारे में पढ़ के जाना है, आग बुझाने के लिए उसके बारे में पढ़ के जाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक प्रकार का ओवरव्यू नॉलेज हो गया होगा। आप क्या कीजिए, देखिए अपना बेस्ट दीजिएगा, आपका समझिएगा कि यही मेरा सब कुछ है, आप रात भर इसका जैसे भी हो आप इसका पूरा से पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान लीजिए, क्योंकि ये देखिए आप एक्चुअली इंडस्ट्री में नहीं विजिट किए हैं, आपको नहीं पता है, फ्रेशर हैं आप, तो आपको क्या करना है पूरा एकदम माने यूट्यूब पर पूरा खंगाल डालना है इसके बारे में, जितना मैं बताया ना कि इक्विपमेंट्स के बारे में, और भी आप कुछ कुछ अपना इक्विपमेंट्स पढ़ के जाइए टूल्स के बारे में, ठीक है, पढ़ के जाइए। और क्या करिए पूरा सबका क्या करिए PPT देखिए, PPT सबका एनोलॉजी मतलब सबका क्या करिएगा, क्रॉस सेक्शन सबका देख के जाइए कि इसमें कौन 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 सा पार्ट होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, क्या क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये सब आपको देख के जाना है, देखने में कैसा होता है, क्योंकि देखिए आपका वो स्किल टेस्ट ले रहा है, ठीक है, स्किल टेस्ट भी लेता है और साथ ही साथ आपसे पूछता भी है, तो दोनों हो गया, प्रैक्टिकल ज्ञान ले रहा है साथ ही साथ पूछेगा कि कैसा होता है, देखने में क्या होता है, ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे। जो प्रोडक्शन वाले हैं उनको तो लेथ वेथ पर ले जाएगा, वो सब ले जाएगा, ठीक है, हमको तो ऐसे कुछ लेथ वेथ पर नहीं ले गया था, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में देखिए दोस्तों मेहनत लगता है, टाइम निकालना पड़ता है, ये आप ही लोग के लिए, ये आप ही का चैनल है, ठीक है, आप ही का हेल्प के लिए चैनल बना हुआ है, तो आप लोग इसको जैसे सपोर्ट कीजिए चैनल को,
तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपसे आपका जो भी जिस जिनका भी एग्जाम है 26 को या 29 को, बॉयलर टेक्निकल वाला तो 29 को एग्जाम है, जिनका भी एग्जाम 26-29 को सबको है, मैं उनको बहुत बहुत उनका बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।